हेलो ट्वेल्थ, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे गॉइटर के बारे में कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के साथ साथ इसमें जो जो भी कॉम्प्लिकेशन है कि क्यों आपकी ये प्रॉब्लम आपके गले में होती है, ये क्योंकि एक थायराइड का ही पार्ट है, और ये प्रॉब्लम होने के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, और उस तरीके तक या उस जगह तक ना पहुँचने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे थ्रू आप ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी पर या आपके गले में ना हो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे वीडियो की कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना हो, उसकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो स्ट्रेट अवे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में आप किस तरीके से समझ सकते हैं और इस प्रॉब्लम को होने से ही पहले रोक सकते हैं। गॉइटर का मतलब है आपके थायराइड ग्लैंड का बाहर आ जाना, और आपके गले में एक बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है जिसको हम हाइपोथायरिज्म भी कहते हैं। ये आपको बेसिकली अगर देखें तो बच्चों को होता है, ओल्ड एज को होता है, यानी कि सीनियर सिटीजन को होता है, इसके साथ साथ वुमेन्स को भी होता है। बट खासकर ये देखा गया है ज़्यादातर 30 से ऊपर की जितनी भी महिलाएँ, 30 से ऊपर की जितनी भी वुमेन्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। इसके अगर हम कॉजेज़ की बात करें, गॉइटर के क्या कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ये या गले में आपकी प्रॉब्लम ये बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है। गॉइटर मेनली होता है आपकी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी मात्रा कम है तो उस का लक्षण क्या रहेगा कि गॉइटर आपका प्रॉपर आपके उस जगह पे फिट बैठ जाएगा। तो आप ये चेक करें कि जो डाइट आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं, उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर कितना आयोडीन का कमी है। अगर वो आयोडीन पूरा कर सकते हैं आप डाइट के थ्रू, तो आप पूरा करें ताकि ये प्रॉब्लम आपके बॉडी पे ना पनप सके। उससे क्या चीज़ होती है जिससे अगर ये डेफिशिएंसी आगे बढ़ती जाती है तो बड़ा रूप भी ले सकती है, और ये कहीं ना कहीं थायराइड का पार्ट बन जाएगा, और फिर ये ज़िंदगी भर कभी ठीक नहीं होगा। सो कोशिश करें कि आप इसको स्टार्टिंग लेवल पर ही मेंटेन कर सकें। रेगुलर चेकअप कराएंगे तो ये इजीली वहाँ पर आ जाएगा, और डॉक्टर आपको रेकमेंड भी कर पाएगा। थायरॉइडिट्स अगर हम बात करें तो एक इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है जो आपके थायराइड ग्लैंड में होता है। ये बेसिकली क्या करेगा, आपके इन थायराइड ग्लैंड को जो कि बटरफ्लाई शेप में होता है, इसके कोने में जाकर ना सूजन कर देगा, और ये पस बन जाता है, फूल जाता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी खाना खाते हो आपकी बॉडी पे जाता नहीं है, आपके गले में फंस जाता है, या जब आप गले से नीचे उतारने की कोशिश भी करते हैं तो भी वो आपके गले में प्रॉपर तरीके से फिट नहीं पाएगा और आप उसको इनटेक नहीं कर पाएंगे, निगल नहीं पाएंगे। तो ये एक तरह का सिस बन जाता है आपके उस बटरफ्लाई शेप में, और वो पस बनने की वजह से ये थायराइड कैंसर भी बन सकता है। तो थायराइड कैंसर अगर आपकी बॉडी में सेल्स बनते हैं तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, और कैंसर सेल्स अगर आपकी बॉडी में एक बार मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों का जो कैंसर होता है वो लास्ट एज में पहुँचने के बाद उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। प्रेगनेंसी के केसेस में भी ये देखा गया है कि गॉटर की प्रॉब्लम लोगों को होती है, वुमेंस को होती है। सो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आपको देखना पड़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि ये प्रॉब्लम उनको उस स्टेज पे ना हो, क्योंकि अगर एक वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर एक अच्छी डाइट कंज्यूम नहीं कर पाएगी तो अपने बच्चों को भी फीड नहीं कर पाएगी, और कहीं ना कहीं ये गॉइटर बड़ा बड़ा बनते बनते हाइपोथायरिज्म का भी रूप ले लेता है, जो कि एक टॉक्सिक गॉइटर है, जिसकी वजह से मैक्सिमम जितनी वुमेन्स कुछ भी इनटेक करना चाहती वो इनटेक नहीं कर पाती, फिर इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो लिक्विड ही कंज्यूम कर पाती हैं। तो इसमें थायराइड ट्यूमर का भी रूप ले लेता है, और वो ट्यूमर इतना बड़ा बन जाता है कि आप सोच नहीं पाएंगे कि उस ट्यूमर को निकालने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स को भी निकालना पड़ता है। सो ओवरऑल अपनी डाइट का खास ध्यान रखें आज से ही, ताकि ये प्रॉब्लम आपके बॉडी में ना पनप सके। आप चेक करें ओवरऑल आपकी डाइट में क्या चीज़ की कमी है, क्योंकि आपकी पूरी डाइट के अंदर 50 ग्राम आयोडीन आपको पर डे लेना ही लेना है, इसकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये गॉटर की प्रॉब्लम या गॉटर डेफिशिएंसी के रूप में निकल के सामने आ जाएगा। कश्मीर में अगर हम देखें तो वहाँ की जो सॉइल है उस सॉइल के अंदर आयोडीन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो जो भी प्लांट्स वहाँ पे उगते हैं उन प्लांट्स के अंदर आयोडीन की मात्रा अगर कम रहेगी तो अगर आप उन्हीं कम आयोडीन वाले प्लांट्स को या सब्जियों को आप कंज्यूम करेंगे, फ्रूट्स को आप कंज्यूम करेंगे, तो मैक्सिमम लोगों को वहाँ पे थायराइड की प्रॉब्लम होगी और उनके बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी। इसलिए आपको डे टू डे बेसिस पे डॉक्टर से आइडेंटिफाई करवाना है, पता करवाना है कि गॉइटर आपका किस स्टेज पे है, कहाँ पे है, किस वजह से है, क्योंकि कभी कभार ये गॉइटर स्टार्टिंग फेज के अंदर पहचाना नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से इसको एंड वाले स्टेज में जब पहचानेंगे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम को अगर हम देखें तो गॉइटर के साइन और सिम्टम क्या है जिससे हम इसको बहुत इजी तरीके से पहचान सकते हैं।
कैसे आप पहचान पाएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी गले में गॉइटर की प्रॉब्लम है, नोटिसेबल कैसे हो पाएगा, कैसे आप पहचान पाएंगे, डॉक्टर किस तरीके से पहचान सकता है, डॉक्टर के पहचानने से पहले आप कैसे घर में पहचान सकते हैं। सो जब आप देखेंगे नॉर्मल लोगों का जो गला होता है वो फूल जाता है, तो इसमें नोटिसेबल क्या रहेगा कि आपके गले में स्वेलिंग हो रखी होगी और उससे दूर से ही पहचान में आ जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम हो रखी है। सेकेंड चीज़, आपको डिफ़िकल्टी होगी खाना खाने में क्योंकि आपके गले में ऑलरेडी स्वेलिंग हो रखी होगी, तो कुछ भी आप खाना इनटेक करेंगे आपके गले से उतरेगा नहीं, आपके गले में पेन होगा और उस गले में पेन की वजह से आप कुछ भी खाना अपनी बॉडी में इनटेक नहीं कर पाएंगे। सो इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है, आप उस समय लिक्विड कंज्यूम करें, जूसेस पीना कंज्यूम करें ताकि आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। डेफिशिएंसी को पूरा करने में आप अपनी पूरी जी जान लगा दें ताकि उस समय आप अपने डाइट से या अपने खाने से परहेज ना करें। सेकेंड चीज़, यहाँ पे जो मैंने आपको बताई जो डिफ़िकल्टी होती है स्वेलिंग के लिए, कुछ मेडिसिन भी आपको रेकमेंड होता है या कुछ आप क्रीम लगा सकते हैं जिससे आपका पेन वो थोड़ा कम हो सके। थर्ड, इसके अंदर होता है आपको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग करने में, सांस आप सही ढंग से नहीं ले पाते हैं क्योंकि जो फूड पाइप रहता है आपका सांस का जो पाइप रहता है वो दोनों सेम ही रहता है, तो अगर आप उस जगह पे ब्लॉकेज होगा, आपका सांस नहीं ले पा रहे, खाना इनटेक नहीं कर पा रहे, वो जगह प्रॉपर फुल है तो ऑक्सीजन को निकलने की जगह बहुत कम बच जाएगी जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ, इसके अंदर क्या रहता है कि टाइटनेस रहता है आपके गले में, आपके नेक में आपको एक टाइटनेस फील होता है, आप अपने गले को फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से आपका गला एकदम स्टिफ हो जाता है और अकड़ जाता है और आप अपने गले को सही तरीके से मूव नहीं कर पाएंगे तो पेन रहेगा। फिफ्थ चीज़ इसके अंदर है, आपकी जो आवाज़ होती है वो सॉफ्टनेस की तरह नहीं निकल पाती है, सॉफ्ट नहीं निकल पाती है, हॉर्सीनेस आवाज़ आती है। हॉर्सीनेस की वजह से क्या होता है, गला भारी भारी सा लगता है और गले में बोलते टाइम पेन होता है। सो आप कब को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि आपका गला ख़राब है या आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो रखी है या गॉइटर की प्रॉब्लम हो रखी है। गला ख़राब क्यों होता है, जब भी आप कोई गर्म चीज़ खाना कंज्यूम करते हैं उसके बाद सीधा अगर आप स्ट्रेट वे ठंडा कोई चीज़ कंज्यूम करें या आइसक्रीम खा लें या पानी पी लें ठंडा पानी, तो उसकी वजह से आपका गला ख़राब हो जाता है जो कि अपने आप इमिजिएटली कुछ टाइम के अंदर ठीक भी हो जाता है। बट गॉइटर की प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम तक रहती है और इसका पेन कभी भी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। कफिंग, डिजीनेस रहता है, आप अपने आर्म्स को प्रॉपर स्ट्रेट वे ऊपर नहीं कर पाएंगे, अपने शोल्डर से स्ट्रेट वे सीधा हाथ खड़े नहीं कर पाएंगे, अगर आप करेंगे तो आपके हाथों में पेन होगा और आपको चक्कर भी आ सकते हैं क्योंकि पूरी बॉडी एकदम लेजीनेस फील होती है। आपको भी मूवमेंट करेंगे आपकी सारी एनर्जी उस हाथ को ऊपर करने में ले जाएगी और सारा आपका एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। सो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, डायग्नोसिस क्या रहेगा जिससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर आपको इस प्रॉब्लम को देखते पहचानने के लिए कोशिश करते हैं कि आपकी बॉडी में जो ये प्रॉब्लम है, जो डेफिशिएंसी है, वो किस चीज़ की है। गॉटर की प्रॉब्लम आपकी बॉडी पे तो हो रखी है बट थायरॉइडिज्म की जो प्रॉब्लम आपकी बॉडी पे है वो किस वजह से हुई है। फर्स्ट वो आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट करेंगे, आपकी बॉडी को आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम कहाँ है, ब्लड टेस्ट होगा, हार्मोन टेस्ट होगा जिससे जो हार्मोन कितना सिक्रीट हुआ है आपके बॉडी में से उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प होगी। उसके बाद जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा फिर रेडियो एक्टिव आयोडाइन स्कैन होगा, उसके बाद आपका यूएससी स्कैन होगा, सीसीटी स्कैन होगा, एमआरआई स्कैन होगा जिससे प्रॉपर आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर हम देख सकेंगे और देखने के बाद डॉक्टर उसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करेगा कि प्रॉब्लम किस तरीके से, उसके हिसाब से भी आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगा। सो इस जगह से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस का खास ध्यान रखना है। कौन कौन से फ्रूट आप कंज्यूम कर सकते हैं हाइपोथायरायडिज्म के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ और कौन कौन से फ्रूट आपको नहीं खाने वो मैं आपको बता देता हूँ। सो आयोडीन को पूरा करने के लिए आपको ऐसे लो आयोडीन होल फूल फ्रूट खाने हैं जो आपकी बॉडी में लो आयोडीन दे सकें जिससे आपकी बॉडी में जो कमी है उसको पूरा कर सकें। ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो नॉन आयोडीन साल्ट जो रहता है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा। एग वाइट आप कंज्यूम करें, एग योक को कंज्यूम बिल्कुल भी ना करें। फ्रोजन या जो फ्रेश वेजिटेबल्स आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। अनसॉल्ट नट्स यानी कि आप आलमंड्स, आपका वॉलनट्स हो गया, इस तरीके के आप नट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। बटर को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं देन उसमें आप बीफ, चिकन और फिश आप ऐड कर सकते हैं। फिश में भी जो आपको ऐड करना है वो टूना फिश होना चाहिए। ग्रेप्स की अगर हम बात करें फ्रूट्स के अंदर तो ग्रेप्स एक आता है, ग्रेप्स का जूस और आप खोल भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। क्रोसीफेरोस वेजिटेबल्स वो होती हैं जिनको आप
सब्जियों से आप कंज्यूम कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें आता है बंद गोभी, पत्ता गोभी, शलगम, मस्टर्ड यानी कि सरसों की साग को आप कंज्यूम कर सकते हैं, केल, रेडिश और कॉलीफ्लावर यानी, और उसके साथ आप एंड में ब्रोकली भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये सब क्रोसीफॉरस वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं जो आपको थायराइड में आपकी हेल्प करते हैं। सिलीनियम आपको ले सकते हैं आप। सिलीनियम आपको कहाँ से मिलेगा? टूना से मिलता है, शिम्प से मिल सकता है, हैम से मिल सकता है, राइस और चिकन से मिल सकता है। कैल्शियम प्लस विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, तो उसको भी आपको कंज्यूम करना है। कैल्शियम को अगर आप लेते हैं और विटामिन डी को लेते हैं तो ये आपके बोन को स्ट्रेंथन करने में और आपकी स्किन को अच्छा टेक्सचर देने में हेल्प करते हैं। आयरन कंटेंट्स आप ले सकते हैं जो कि नेसेसरी है, क्योंकि जो RBC की प्रोडक्शन आपकी बॉडी पे इंक्रीज हो रखी है उस चीज़ को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। क्या क्या चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं? आयोडाइज साल्ट जो होता है हाई मात्रा में उसको आप इग्नोर करें, आयोडीन सप्लीमेंट इग्नोर करें और बाकी तरीके की जो भी फिश आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी में इस तरीके की प्रॉब्लम आपकी बॉडी पर ना हो। इसके साथ साथ आप कैफीन को रिमूव करें अपने डाइट में से। मिल्क या मिल्क से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जो अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको आपको आज से ही छोड़ना है, ताकि ये प्रॉब्लम आपकी और लंबे टाइम तक या और बड़ी ना हो सके। नव हम बात करते हैं एटॉमी के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको आप यूज़ करके आपने इस गोइटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूज़ करना है हेमोहिम। हेमोहिम के अंदर जैसे चुनिंदा हर्ब्स जो ऐड करेंगे, ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज़ करके बड़े से बड़े लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। ऑल्दो ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सभी प्रोडक्ट्स हेल्थ सप्लीमेंट जो कि आपकी बॉडी में जाकर आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम आपकी बॉडी में क्या है और उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करके आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। हेमोहिम का जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़ है, बट जब आप यहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करते हैं तो आपको ये और लेसर अमाउंट पे भी आपको मिल जाता है। सेकेंड प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं एटॉमी बैलेंस लाइफ। एटॉमी बैलेंस लाइफ को आप यूज़ करें खाना खाने से पहले, या कोई एक मील स्किप कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करें, आप लंच स्किप करें या नाइट का जो डिनर है वो स्किप करें, और उसकी जगह आप मील रिप्लेसमेंट की तरह आप इसको ले सकते हैं। इसका जो MRP है वो MRP है 7,500 रुपीज़। जो हेमोहिम है आप उसको एम्प्टी स्टोमक आप ले सकते हैं मॉर्निंग में 60 ml 30 ml जो भी आपको रिक्वायरमेंट होता है, उसके बाद आधे घंटे के बाद 2 glass आप वाटर भी कंज्यूम कर सकते हैं, जिसके थ्रू हेमोहिम आपकी बॉडी में जाकर डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर सके। थर्ड प्रोडक्ट आता है, इसे कहते हैं एटॉमिका स्प्रिलुना। इस स्प्रिलुना को आपको खाना खाने के बाद कंज्यूम करना है। ये आपकी बॉडी में जाकर सभी तरीके के मल्टीविटामिन्स की जो कमी है उसको पूरा करेगा, जिसके थ्रू आपकी बॉडी में सभी तरीके के जो बैक्टीरिया फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में अटैक कर रहे हैं उनको रिमूव करने का काम करेगा। इसका MRP अप्रॉक्सीमेटली 699 रुपीज़ है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 700 रुपीज़। और लास्ट प्रोडक्ट जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो है आपका एटॉमिका न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, जो कि एक प्रोबायोटिक है, गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटेक करवाएगा, जिसके थ्रू जहाँ पे भी डेफिशिएंसी, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रखी है, जहाँ पे भी सोरनेस हो रखा है, पेन हो रखा है, उस पेन में आपको रिलीफ दिलाने में हेल्प करता है। इसका जो MRP है वो MRP है 4,500 रुपीज़, जिसको यूज़ करके आप इन चार प्रोडक्ट को यूज़ करके अपनी इस प्रॉब्लम से कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। और जो डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दिया है उस ट्रीटमेंट को अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आपको डेफिनेटली यहाँ से रिसीव हो पाएगा। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो उसी चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने सभी चैनल, अपने सभी ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।